गिरिडीह तक में आपका स्वागत है। चलिए आज की खबर की ओर। आज दिनांक 2 सितंबर को गिरिडीह के स्थानीय अम्बेडकर चौक पे ओबीसी के आरक्षण को 27% करने हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की गई। सामाजिक कार्यकर्ता तुषार अविराज ने कहा कि मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार सिर्फ ओबीसी को ठगने का काम कर रही है। धरना प्रदर्शन में अधिवक्ता दामोदर गोप, कामेश्वर यादव जी, धर्मेंद्र यादव, तुषार अविराज, उज्जवल रावण, सरताज खान, सोहेल इराकी, उमेश वर्मा, डॉक्टर एस के जनरल, डब्लू यादव, धर्मेंद्र यादव, सतीश, सुमित हाजरा आदि थे। पूरे देश में मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन झारखंड को बिहार से अलग हुए 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के ओबीसी समाज को मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है। हमारा झारखंड सरकार से मांग है कि पहले जातिवार जनगणना करवाए और जातिवार जनगणना करवाने के बाद ओबीसी की आरक्षण को 27% लागू करें। जैसा कि आपने अपने चुनावी घोषणा में और अपने वादा में भी ये जिक्र किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम लोग ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन आप ये वादा करके यहाँ के ओबीसी समाज को जो है लॉलीपॉप दे दिए। आपने वादा किया, आपने हमारा वोट भी लिया, लेकिन आपने मेरा काम नहीं किया। अगर आप एक महीना के अंदर में अगर नहीं 27% आरक्षण लागू करते हैं तो इस तरह का धरना जो है 2400 जिला में चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक आप 27% आरक्षण न कर दें। धन्यवाद। भारत में 27% आरक्षण है, तो 27% आरक्षण मेरे झारखंड में क्यों नहीं है? राष्ट्रीय जादव सेना मांग करती है कि 27% आरक्षण मेरे झारखंड में मिले ओबीसी लोगों को, लेकिन यहाँ पर सरकार ने 2019 में बोले थे कि 70% आरक्षण मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, लॉलीपॉप देके छोड़ दिए। तो अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक कोई आरक्षण नहीं मिला। साहब का सिर्फ एक बात बोले थे कि जिसकी जितने संख्या भारी उसकी उतना हिस्सेदारी, लेकिन यहाँ ओबीसी के साथ इतना गलत दुर्व्यवहार हो रहा है कि समझिए अभी तक 22 साल में 14% पर रखा हुआ है। और हेमंत सरकार मुख्यमंत्री वादा करके यही आए, अब हमको लग रहा है कि मोदी से ज़्यादा अब तो हमारा हेमंत सरकार फेंक रहे हैं। याद रखिए एक चीज़, ज़्यादा दिन बचा भी नहीं 2024 का विधानसभा चुनाव, हम लोग जनता हैं, अभी तो विधिवत मांग कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं आपको आपका वादा को। अगर याद नहीं आएगा आपको और काम नहीं करिएगा, 27% आरक्षण लागू नहीं करिएगा तो हम जनता हैं, याद रखिए, कुर्सी पर बैठाना जानते हैं, उखाड़ के फेंक देंगे, फेंकने भी जानते हैं। आज सामाजिक न्याय मंच गिरिडीह के द्वारा अम्बेडकर चौक में एक दिवसीय धरना दिया गया और यह धरना विशेषकर जातीय जनगणना और झारखंड में ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग को लेकर दिया गया है। और हम लोग राष्ट्रीय यादव सेना की ओर से झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि पूरे झारखंड में 27% आरक्षण लागू किया जाए। जिस तरीके से हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया है और लग रहा है कि 1932 आधारित हथियार नीति को भी और 27% आरक्षण को भी यदि हेमंत सरकार लाती है तो निश्चित रूप से यहाँ के मूल निवासी झारखंडवासी सहित तमाम ओबीसी के लोग हेमंत सोरेन सरकार के साथ रहेगी। और हम लोग आशा उम्मीद करेंगे सरकार से कि अविलंब 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा करें, अन्यथा हम लोग का ये आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम सबों को आरक्षण 27% नहीं मिलता है। दूसरी बात, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना किया जाए, 27% आरक्षण देने का वादा करके ये सरकार आई हुई है और एक घोषणा पत्र में भी ये बात रखी है और हम आशा करते हैं कि ये सरकार इसको अवश्य पूरा करेगी। और यह सरकार बहुत पॉजिटिव काम कर रही है, जैसे इन्होंने पुराना पेंशन लागू कर दिया है और बार बार जो है सो शिबू सोरेन वगैरह जो शीर्षस्थ नेता हैं जेएमएम वगैरह यूपीए के, वो लोग बोल रहे हैं कि 1932 लागू होगा, तो इन सारी चीज़ों के लागू हो जाने से स्थानीय लोगों को और खास करके ओबीसी को एसटीएससी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस मंच के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड में 27% आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है सो ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है, झारखंड में भी ओबीसी की जनसंख्या 50% से ज़्यादा है, बावजूद इसके यहाँ आरक्षण मात्र
14% है, पहले मात्र 12% था। उसमें आंदोलन हम लोग किए थे जब प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ थे, तो 12 से 14 किया गया था, इसको घटा के 12 कर दिया गया था। इसलिए अगर सरकार चाहती है कि हम सभी को साथ में लेकर चलें, ओबीसी को भी साथ में लेकर चलें, तो घोषणा पत्र में वो वादा किए हैं 27% रिजर्वेशन देने का, उसको वो पूरा करें।